जो भी व्यक्ति हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब कलरफुल बहनों को सीनियर सिटीजन बनाते हुए देखते हैं। तो शब्द पहले कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपनी कहने से पहले मैं अपनी प्रेसिडेंट रंजना जी को, पेट्रन यमुनोत्री जी को, सचिव मिसेस गीता पौरा को यहाँ कि वो कृपया स्टेज पे आ जाए बेटा, डायस पे बैठ जाए। हमारे प्रेसिडेंट कहाँ गए? प्रेसिडेंट साहिबा, पेट्रन साहिबा और हमारे सचिव, आप आपके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। साधुवाद है आप सबको। आज सीनियर सिटीजन डे रॉनल्ड रेगन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने 21 अगस्त 1988 में डिसीजन दिया था और 1 अक्टूबर 1991 से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। इस सेलिब्रेशन के अवसर पर क्योंकि हम भी सीनियर सिटीजन हैं तो हम इस अवसर को कैसे गवा सकते हैं, तो हमने सोचा कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, उसमें हम भी देखें कैसे सेलिब्रेशन होता है और बच्चों के व्यूज भी जाने, यंगस्टर्स के व्यू भी जाने कि व्हाट दे फील अबाउट सीनियर सिटीजन। इसलिए भी मनाते हैं कि हम सीनियर तो हैं, ना केवल एज में सीनियर हैं पर थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखते ही हैं, मुझे ये लगता है। इसके साथ साथ हम आज का दिन इसलिए भी मनाते हैं ताकि हम जो सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकें और अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकें कि अपने सीनियर सिटीजन की वजह से हम क्या क्या गेन कर पाते हैं। खासकर इस कोविड पीरियड में सभी ने एहसास किया होगा कि बड़ों का कितना महत्व है परिवार में, बड़ों की वजह से कितना कुछ रहता है इस परिवार में, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे हमारी सोसाइटी के प्रति हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के प्रति हो या हमारे फैमिली के प्रति हो, उसको याद करने के लिए आज हमने ये दिवस मनाया है। हमें हमेशा बड़ों की सपोर्ट और रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि हमें हमारे पास कुछ समय सीमा है तो मैं ज़रूर पहले चाहूँगी कि हमारी प्रेसिडेंट महोदया सबका, हमारे जितने भी अच्छे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनका वेलकम करें और उनका स्वागत करें। हमारी प्रेसिडेंट रंजना है। और हम सब इसकी शाखाएं हैं। आपकी
की छांव में हमारी संस्था निरंतर जन के और लोक कल्याण के लिए प्रयासरत रहे, यही मेरी कामना है और आपका स्नेह आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें, ऐसी ही मेरी कामना है। हमारी संस्था की उप शाखाएं हैं हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जिन्होंने किसी पद ग्रहण के बिना ही हर कदम पे मेरा सहयोग किया है और जिस कार्य का दायित्व मैंने उन्हें सौंपा उन्होंने उसको भली भांति निभाया। मेरी हर एग्जीक्यूटिव मेंबर का भी मैं अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने ये समझा कि प्रिविलेज टू वर्क इज अ गिफ्ट, द पावर ऑफ वर्क इज अ ब्लेसिंग एंड वन हु लव्स टू वर्क दैट लीड्स टू अ सक्सेस। अपनी युवा पीढ़ी का मैं स्वागत करती हूँ आज की सभा में और यहाँ पर आए हुए जितने हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं संस्था के, सभी सदस्य जो एक श्वेत जो की किरणें हैं और एक श्वेत उजाले की तरह हमारी संस्था को जगमगा के रखती है। आप सभी मेंबर्स का हमारी इस सभा में स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आगे भी आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। तारीफ के मोहताज वो लोग सच्चे लोग नहीं होते जैसे असली फूलों पर इत्र छिड़का नहीं जाता। आज के इस सभा में हमारी ट्रेजरर आउट ऑफ स्टेशन है जो आ नहीं सकी हैं, पर उनका भी संपूर्ण सहयोग रहा है हमारे साथ और बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। टुडे इज द सीनियर सिटीजन डे एंड वी शुड नॉट लुक लाइक सीनियर सिटीजन बट बिहेव लाइक सीनियर सिटीजन, दैट इज द मेन आइडिया। ट्राई नॉट टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स वेदर इट इज योर होम और एनी फ्रंट इन द सोसाइटी। Live happily and let others live happily. This should be the motto of Senior Citizens Day. आज के इस दिन मैं अपनी युवा पीढ़ी को भी एक संदेश देना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए मैं चाहती हूँ, आप लोगों में काम करने का जज्बा है वो मैंने देखा है 2 साल से, तो आप लोग वॉलेंट्री को एक ग्रुप बनाएं अपना अपना और शहर में जितने सीनियर सिटीजन जिनको ज़रूरत है आप लोगों की उसमें आप लोग उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ें, उनको समय दें। जैसे कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ले जाना, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते तो आप उनके लिए पढ़ के कुछ करिए, उनके एंटरटेनमेंट्स के प्रोग्राम उनके लिए रखिए, उनके एंटरटेनमेंट्स के लिए उनके लिए बनाइए, उनके लिए पिकनिक अरेंज करिए और इस तरह अगर आप सीनियर सिटीजन डे मनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वेबिनार्स पे इतना ना मनाएं और जैसे आज हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद आप लोग के चेहरे देखते हुए तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आप लोग ये ग्रुप बना के ये कार्य अलग अलग ज़रूर करें तभी हम लोग की ये सफल होगा कि हम लोगों ने सीनियर सिटीजन डे मनाया और बहुत अच्छे से रखा। थैंक यू।